धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। बहुत जरूरी जीत, क्या कहेंगे इस जीत के बारे में और आज के मैच के बारे में? बिल्कुल, देखिए कई मैच हो गए थे, लूज चल रही थी टीम, खेल भी अच्छा रहे थे फिर भी लूज हो रहे थे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही थी डिफेंस से भी ऑफेंस से भी। आज अच्छा किया कैप्टन ने, काफ़ी अच्छा किया, पूरी टीम ने अच्छा किया, तो जीत है तो खुशी है, इनकी मेहनत है, खेलना इन्होंने, अच्छा भी खेलते यही है और कभी लूज भी खेलते हैं तो यही विन होते हैं, यही लूज होते हैं, और टीम ने काफ़ी अच्छा किया है, बहुत खुश हूँ मैं टीम से। कितना इम्पोर्टेंट रिंग है ये? हाँ, कई मैचों के बाद आई है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, जीत तो हर इम्पोर्टेंट है लेकिन जब भी मिल जाए तभी खुशी है, आज वो मिल गई है टीम की वजह से, इन बच्चों की वजह से, तो काफ़ी मोटिवेट होंगे। और नवीन की इंजरी के बारे में बताएं कुछ? नवीन जल्दी मैट पे दिखने वाला है, नवीन ठीक है, इंजरी नहीं है उसको, उसकी मैंने पहले ही बताया था थोड़ी एक मसल पुल हो रही थी, बहुत जल्दी आएगा मैट पे। आशु आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? नहीं, आज शुरुआत से ही मैच काफ़ी अच्छा खेले, डिफेंस भी और ऑफेंस भी दोनों बहुत अच्छा किया दोनों ने, और सपोर्टिंग राइडर भी बहुत अच्छा किया उन्होंने, जैसे स्टार्टिंग में मैं नहीं चल पाया था तो विनय और आशीष उन्होंने बहुत अच्छा किया था, और डिफेंस तो आज अच्छा खेला ही है, और मोरल भी थोड़ा बढ़ा है, जैसे पिछले 3-4 मैच हमने लूज़ किए थे और आज विन हुए हैं तो थोड़ा मोटिवेट भी होंगे। बैक टू बैक मुकाबला है और तमिल अच्छी टीम है, डिफेंस भी अच्छा है, रेडिंग भी अच्छी है, और अभी कोच साहब जा गए, स्ट्रेटजी बनाएंगे उसी के हिसाब से खेलेंगे। सारे खिलाड़ी चैलेंज है, नरेंद्र कंडोला है, सचिन तंवर है, और डिफेंस भी काफ़ी अच्छा है। ओके सर, थैंक यू। सर क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में, कहाँ टर्निंग पॉइंट था? टर्निंग पॉइंट थोड़ा हमारा राइट कवर मयूर थोड़ा कम खेला, उन्हें एडवांस टैकल के चक्कर में पॉइंट्स दे दिए, और हमने आशु को टारगेट किया था और उनके लेफ्ट रेडर ने भी हमारे टीम में से पॉइंट लीक किए, इसलिए थोड़ा मैच टाइट हो गया। क्या इस मैच से क्या लर्निंग्स है आपके लिए आगे के मैच के लिए, क्या कहाँ गलती हुई और किस तरह सुधारे हैं इसको? गलती यही है, हमारा डिफेंस थोड़ा लूज हुआ आज, डिफेंस में काम करना पड़ेगा, डिफेंस थोड़ा संभाल के खेलेगा तो अगले मैच में हम जरूर जीतेंगे। मनिंदर को सब्स्टिट्यूट करने के भी उस टाइम डिफेंस एक डिफेंडर को अंदर डालना था, फजल बाहर था तो एक लेफ्ट कॉर्नर भी अंदर डालना था, इसीलिए एक रेडर को बाहर करना था तो मनिंदर को हम लोगों ने बाहर किया। क्या मैच की सिचुएशन और मणि, शुरू से मणि को पॉइंट नहीं लग रहे थे और नितिन और सुशील को पॉइंट लग रहे थे, इसीलिए मनिंदर को बाहर करके दोनों को अंदर रखा, सुशील और नितिन को। कोच इस लेग में आप यंग प्लेयर्स जैसे आप बोल रहे थे सुशील नितिन काफी अच्छे खेले हैं, तो इस हैदराबाद में एक और गेम बाकी है, तो क्या मैसेज होगी लास्ट गेम के लिए और फिर आगे जो नोएडा लेग आ रही है, तो क्या मैसेज होगी? ये काफी मोमेंटम आ गई थी फिर आज एक अनफॉर्चुनेट डिफीट हो गया, तो क्या मैसेज होगी आपकी टीम? नहीं, डेफिनेटली हम मेहनत करेंगे, जो भी हमारे वीकनेस है उस पे ऊपर काम करेंगे और अगला मैच जरूर जीतने की कोशिश करेंगे, और सेकंड इसमें भी हम लोग जरूर जीतेंगे, हर मैच जीतने की कोशिश करेंगे। नितिन आप कुछ कहना चाहेंगे आपके मैच के बारे में? लास्ट लगा कि अच्छा से कवर करें और जीत भी जाएंगे, तो क्या कहीं कहाँ कमी रह गई? देखो कोच साहब ने बताया कि थोड़ा सा डिफेंस लूज हुआ है और हमारा जो डिफेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग खेल रहा है पिछले 5 मैचों में, छोटी छोटी गलती हुई है, एक दो गलती मुझसे हुई है, मयूर से हुई है, तो वही है, छोटी छोटी मिस्टेक है, नेक्स्ट मैच में उनको नहीं करेंगे, सुधार के करेंगे तो कन्फर्म जीतेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट मैच आपका बेंगलुरु के साथ है जो लगातार जीत रही है और अच्छे, क्या कहना चाहेंगे बुल्स के, और वहाँ पर आपके पुराने दोस्त भी होंगे साथ में, तो वो फायदा है घाटा है क्या, कैसे देखते हैं बुल्स को? खास देखो बुल्स का पिछले 2 मैच अच्छा खेली है तो हमारी टीम भी काफ़ी अच्छी है, हमें अपनी टीम पर विश्वास है, हमारे रेड और डिफेंस बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, छोटे मोटी मिस्टेक होती हैं,
बट बैंगलोर के खिलाफ हम काफ़ी अच्छा खेलेंगे और जीतेंगे बिल्कुल। प्रदीप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप अच्छा रेटर है बिल्कुल, अभी वो लास्ट टू मैच में पता नहीं कैसे, मतलब कोई इंजुरी हुआ है, लेकिन यही रहेगा हमारा तो फोकस कि हम कैसे उनको, मतलब प्रदीप हुआ अंदर या जो रेटर उनके जय भगवान, वो टारगेट करें और मैच जीते। कोई फायदा होगा प्रदीप के साथ खेलने में आपको इस मैच में? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि तीन चार सीजन से हमारे साथ था वो पिछले, तो बिल्कुल बेनिफिट होगा मोमेंट का, लेकिन उसको भी पता है मेरा मोमेंट का, तो वो तो मैच में देखते हैं क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन फाइनल मैच को एज अ विन करके इस लेग को खत्म करने के लिए हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? देखो मैच तो हर एक इम्पोर्टेंट है, और हमने मेहनत भी इतनी, मतलब डेढ़ दो महीने से कैंप था हमारा बॉम्बे, उसी हिसाब से की थी हमने कि हमने हर एक मैच को मतलब अपना फाइनल लेके खेलना है, तो हम हर एक मैच को वैसे ही खेलते हैं मेंटलिटी के साथ, बट छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं, बट नेक्स्ट आखिरी मैच हमारा हैदराबाद लेग में, तो डेफिनेटली हम जीतने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। सर गंभीर चोट है, क्या लग रहा है? नहीं नहीं गंभीर चोट नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा ये हुआ है, उसको फट गया है, तो ज़्यादा गंभीर नहीं है, अगला मैच जरूर फसल खेलेगा। थैंक यू।